आप ये प्रेस नोट तो देखिए, शहर में संपत्ति संबंधी अपराध जो हो रहे हैं, इसको लेके लगातार पुलिस का प्रयास है ऐसे अपराधियों को पकड़ने का और ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने का। पहले भी हमने कुछ समय पूर्व जो लूट की घटनाएं हुई हैं, चेन स्नैचिंग हुई है, इनका खुलासा किया था, वाहन चोरियों का खुलासा किया। इसी श्रृंखला में पिछले 2-3 दिन से फिर से चेन स्नैचर सक्रिय हो गए थे जिले में। 2 दिन में लगातार 2 चेन स्नैचिंग हुई थी। कल शाम की घटना है जब ये चेन स्नैचर्स एक ब्लैक कलर की होंडा साइन गाड़ी में एक वृद्ध महिला का चेन स्नैच करके भाग रहे थे। तत्काल वहां से किसी ने थाना प्रभारी सिविल लाइन को फ़ोन लगाया कि साहब, 2 लुटेरे जो हैं वो चेन स्नैच करके इस दिशा में भागे हैं। थाना प्रभारी अपनी टीम आसपास ही थे, अपनी टीम लेके तत्काल उस दिशा में रवाना हुए। आगे चल के जब इन्होंने देखा तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल के साथ 2 लड़के थे, केंद्रीय विद्यालय घमापुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर इनका पीछा किया, वो भागने लगे। पुलिस टीम ने दौड़ के उन्हें पकड़ा। इस दरमियान जब पुलिस ने पकड़ा तो इसमें से एक आरोपी जिसका नाम सूरज डुमार है, उसने जो चेन स्नैच किया था वो उसने खा लिया, उसे निगल लिया था, इसलिए ताकि पुलिस को वो बोल सके कि नहीं, हमने ऐसी कोई वारदात नहीं की। पुलिस ने दोनों को पकड़ा। जो आरोपी था उसको ले जाके हॉस्पिटल में जब एक्सरे कराया तो उसके पेट में वो जो सोने का पेंडेंट उसने छीना था वो मिला। हमें मेडिकल कॉलेज गढ़ा ले गए, वहाँ पे डॉक्टर ने अपनी चिकित्सकीय पद्धति से वो सामान बाहर निकाला एक प्रक्रिया के तहत जो कि हमारे पास जब्ती में है। तो इस तरह से हमने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पिछले 3 दिन में 3 चेन स्नैचिंग करी थी। इनके पास से हमें मोटरसाइकिल भी मिली है जिसके कि हमें फुटेज पहले ही उपलब्ध हो गए थे। हमें लगभग नंबर पता था कि क्या मोटरसाइकिल है। ये लगातार नंबरों के साथ छेड़खानी करते रहते थे, नंबर बदलते रहते थे, नेम प्लेट आगे पीछे इस तरह से ये चेंज करते रहते थे ताकि पुलिस इनको कभी पकड़ ना पाए। इनको पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है और थाना प्रभारी सिविल लाइन और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से इनको कल पीछा करके पकड़ा है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। सर, ये पहले भी कर चुके हैं और इसके 3 दिन के पहले भी इनका कोई रिकॉर्ड है? निश्चित रूप से ये पुराने चेन स्नैचर हैं। दोनों ही अभी कुछ समय पहले तक जेल में चेन स्नैचिंग के आरोपों में ही बंद थे। इसमें से एक जो सूरज है वो अभी 1 हफ्ते पहले जेल से छूटा है और जो दूसरा आरोपी है राजू वो लगभग 1 महीना पहले जेल से छूट गया है। निश्चित रूप से वृद्ध महिलाओं को टारगेट किया है इन्होंने, क्योंकि वृद्ध महिलाएं इनका पीछा नहीं कर सकती, ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकती, तो इनके लिए वो आसान टारगेट हुआ था।